स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों मेरे YouTube। चैनल में आप सभी का आज जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि खासकर उनके लिए जो LLB करना चाहते हैं और LLB कर रहे हैं या फिर सेंट थॉमस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रखा है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनकी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज उसका पहला दिन था जो कि आज संडे है। और सेंट थॉमस के पास दोस्तों ये प्लस पॉइंट है कि आपके पास जो है दो ब्रांचेस इन्होंने बना दी हैं। एक ब्रांच जो है इनका दिल्ली के अंदर है और एक ब्रांच जो है इनका ग्रेटर नोएडा में। तो अगर आप दिल्ली वाले ब्रांच में जाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली वाले ब्रांच के साथ क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मंदिर मार्ग में जो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका होगा आरके आश्रम। तो आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन जो है वो इसका नियरेस्ट है। इसका स्कूल है इनका सेंट थॉमस वाले का, जिसे इन्होंने एक ब्रांच भी बना रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संडे क्लासेस होती हैं। संडे अगर आपको क्लास करना है तो आप सेंट थॉमस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा सकते हैं जो कि मंदिर मार्ग में है, और अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेने हैं तो जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी उनके लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो उनके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल बताया। अब बात करते हैं कि सेंट थॉमस लॉ क्या है, लॉ कॉलेज कौन सा है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेंट थॉमस जो है एक लॉ कॉलेज है, जो कि स्कूल भी है सेंट थॉमस के काफ़ी अच्छे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं जो लोग LLB करने के प्लान कर रहे हैं, LLB करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बता दूं कि ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जो डिस्टेंस के साथ करना चाहते हैं LLB। इसकी फ़ीस भी कुछ हाईएस्ट नहीं है, मतलब अप्रोक्स 120 के आसपास में आपका जो है पूरा कोर्स हो जाता है, 3 साल का होता है। ठीक है, अगर आप क्लास रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इसमें संडे भी क्लास लेकर के अपना कर सकते हैं, और अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, और इसका कॉलेज जो है, इसका कॉलेज जो है आपको ग्रेटर नोएडा में है, पार्क 3 या 2 है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन मुझे एड्रेस जो है वो कंफर्म है दिल्ली का, जो मैंने आपको बताया मंदिर मार्ग। तो मंदिर मार्ग जो रोड है उसी पे स्कूल है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जैसा कि मैंने आपको बताया आरके आश्रम। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस बहुत ईजी और बहुत सिंपल है। आप एडमिशन के लिए डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। पहले इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है 1,000 रुपये, उसके बाद जो है ये आप सेमेस्टर वाइज जो है 1,20,000 रुपये समथिंग है, तो सेमेस्टर वाइज आप 20,000 करके 6 सेमेस्टर्स में आप जो है अपनी पेमेंट्स को कर सकते हैं डिपॉजिट। तो ये भी बहुत ईजी सा प्रोसेस है। तो आज जो है मैं आपको इसके साथ ही साथ ये दिखा भी दूंगा, जो दिल्ली वाला ब्रांच है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग LLB करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट फॉर अस। सो चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको सेंट थॉमस स्कूल, जो सीनियर स्कूल है, जो दिल्ली का ब्रांच है, क्योंकि मैं यहीं पर विज़िट कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो है स्कूल भी दिखाने वाला हूँ, मंदिर मार्ग वाला। ये जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये स्कूल का एरिया है पूरा। ठीक है, और कुछ अवार्ड्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए हुए हैं स्कूल ने, जो भी अचीवमेंट्स होंगी स्कूल की। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, आज संडे है, स्कूल बंद है, तो स्कूल के साथ साथ जो है चर्च भी है, तो शायद साथ में ही कुछ शादी का फंक्शन है चर्च के अंदर, तो यहाँ पर ये बच्चे जो है उसी शादी को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए होंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये जो पार्टी है ये हो रही है, ये वही जो शादी है जैसे कि मैंने आपको बताया, वही यहाँ पे ये कैंटीन एरिया है स्कूल का। बच्चे खेलते हुए, अब मैं आपको जो है स्टेयर्स के साथ लेके चल रहा हूँ जहाँ पे क्लास चल रही थी। ये यहाँ पे हर जगह पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, LLB क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का यहीं पे होना था, तो यहाँ पे भी बोर्ड है। सेंट थॉमस के स्कूल भी अच्छे हैं, सेंट थॉमस की कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, मैंने कॉलेज पे भी विजिट किया था ग्रेटर नोएडा। तो दोनों कॉलेजेस और स्कूल दोनों का ऑप्शन जो है वो अच्छा है। तो अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो दिल्ली के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जो है इनके